हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे करेले की सब्ज़ी। करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 kg करेले लिए हैं और अच्छे से धो लेने हैं। दो बार हमने पानी में अच्छे से धो लिए हैं। अब 1.5 kg के हमने पीसेस कर लिए हैं छिलके के समेत और उसमें नमक डाल के आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे और हमने अच्छे से मिला लेना है नमक को। और हमने 250 ग्राम करेले के छिलके निकाल के उसके पीसेस करके और नमक मिला के उसे भी ढककर रख देंगे। अच्छे से मिला देना है नमक को। और हमने 750 ग्राम करेलों में चीरे लगा के उसमें नमक भर के आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। अब आधे घंटे के बाद दो बार अच्छे से पानी में धो लेंगे, घिस घिस के धोएंगे, ऐसे हाथ से मसल के ऐसे घिस के धोएंगे। और धोने के बाद अच्छे से पानी निकाल देंगे छन्नी में। ये हमने दो बार धो लिए हैं हमने और अच्छे से ऐसे धोने से क्या होता है, उसमें से कड़वाहट निकल जाती है और छलनी में निकाल देंगे ताकि दबा के निकाल देंगे ताकि पूरा पानी निकल जाए। और उसके बाद उसे कपड़े में लपेट के दबा के और पूरा पानी निकाल देंगे। सभी करेलों को कपड़े में लपेट के अच्छे से और पानी पूरा निकाल देंगे। दबा के निकालना है पानी, पानी नहीं रहना चाहिए। पानी रह जाएगा तो करेले कड़वे हो जाएंगे, इसलिए पानी पूरा निकाल देना है। अब हमने पानी पूरा निकाल दिया है। अब एक बाउल में सभी करेलों को अलग अलग से रखेंगे और उसमें नमक मिला देंगे और नमक मिलाने के बाद 10 मिनट के लिए रख देंगे। बाद में हम नमक नहीं डालेंगे, इसमें सिर्फ मसाले डालेंगे, इसलिए हमने पहले इसमें नमक डाल दिया है। और नमक डालने के बाद अब फ्राई कर देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम फुल गर्म करना है ऑयल को और पहले हम बड़े वाले करेले तल लेंगे, फ्राई कर लेंगे और रेड करना है, ब्राउन नहीं करना है। और घुमाते रहना है ताकि सभी करेले ऊपर नीचे से आगे पीछे सभी साइड से रेड हो जाए एक जैसे, नहीं तो घुमाएंगे नहीं तो एक साइड जल जाएंगे। ये हमारे हो गए हैं। अब हम पीसेस डाल देंगे। पीसेस को भी ऐसे ही ब्राउन रेड करना है और घुमाते रहना है, ये जल्दी हो जाएंगे। पीसेस हैं इसलिए जल्दी हो जाएंगे। अब इसे भी निकाल देंगे। ये हम ऑनियन और टोमेटो में बनाएंगे पीसेस। और ये हमने छिलके वाले लिए हैं पीसेस, वो भी तल लेने हैं, फ्राई कर लेने हैं, उनको भी रेडी बनाना है। और ये हम मसाला डालेंगे। अब बड़े वाले करेलों में मसाला डालेंगे, अमचूर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर। अब हम इसमें नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पहले से चीरों में डाल दिया था फ्राई करने से पहले। अब मसाले भर देंगे और ये भी हमारे फ्राई हो रहे हैं, इसमें हम सभी में मसाले भर दिए हैं और ये फ्राई हो गए हैं। इसमें से ऑयल निकाल लेना है और इसमें भी हम मसाले डालेंगे, नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हमने पहले डाल दिया था। कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और अमचूर पाउडर, और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और बड़े वाले करेले भी साइड में रख देंगे और ढककर 2 मिनट के लिए रख देंगे। 2 मिनट के बाद फिर से घुमाएंगे
और फिर 2 मिनट रखेंगे ऐसे करके 5 मिनट तक रख के, और 10 मिनट फिर ऐसे ही गैस फ्लेम ऑफ करके रख देंगे। ये हमारे रेडी हो गए हैं करेले। अब हम ग्रेवी वाले करेले बनाएंगे। उसके लिए हमने कुकर रख दिया है और ऑयल उसमें 4 टेबल स्पून गरम करने के लिए रखा है। उसमें ऑनियन चॉप्ड डालेंगे, 250 ग्राम हमने चॉप्ड ऑनियन डाले हैं, और 2 मिनट के लिए इसे घुमाएंगे। उसके बाद ग्रीन चिली डालेंगे, और ग्रीन चिली डालने के बाद 2 मिनट के बाद हम टोमेटो प्यूरी डाल देंगे और 5 मिनट तक घुमाएंगे, उसे भुनेंगे। और उसमें करेले के पीसेस जो हमने फ्राई कर लिए थे, और उन्होंने उसमें हमने नमक भी डाल दिया था, अब भुनेंगे उन्हें थोड़ा। और अब मसाले डालेंगे। जिंजर पाउडर हमने 1/2 टीस्पून लिया है, सॉल्ट 1 टीस्पून लिया है क्योंकि ग्रेवी का ही सिर्फ डालना है, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून और अमचूर पाउडर 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेना है, भुनेंगे और थोड़ा पानी डाल के फिर से भुनेंगे, और ऑयल निकल आए तब तक भुनना है। और फिर से थोड़ा पानी डालेंगे 1 टेबल स्पून, और ऑयल निकल आए तब तक भुनेंगे। इससे क्या होता है, कसूरी मेथी डालेंगे, प्याज और टोमेटो अच्छे से गल जाते हैं। और 100 ml तक पानी डाल के 2 विसल लगा के गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे, और 10-15 मिनट के बाद ये हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। और कोरिएंडर लीव्स हम लास्ट में डालेंगे। ये हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है।